तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज वेब पेज। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि इंटरनेट पे मान लीजिए ब्राउजर है, मान लीजिए आपका पीसी है, ये यहां पे हमने कोई ब्राउजर ओपन किया हुआ है, तो हमारे पास कुछ चीजें होती है। यहां पर तीन बटन होते हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, यहां पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास एड्रेस टाइप करने का, और इतनी चीज इतना स्क्रीन पे इतनी जगह होती है हमारे पास कुछ भी देखने की। लेट वेबसाइट एबीसी, ये कोई वेबसाइट है जो ओपन है, सो abc.com, इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं www.abc.com। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा दैट इज एड्रेस बार, एड्रेस बार। तो यहां पे एक मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज तीन ऑप्शन होते हैं। यहां पे मिनिमाइज को मैं स्मॉल एम से लिख देता हूं, कैपिटल एम से मैक्सिमाइज को, और क्रॉस से इसको ऐसे लिख देता हूं। तो इस तरीके से लेट, ये क्रोम ही है हमारा, यहां पे इसका लोगो होता है क्रोम का, गूगल क्रोम हमने एज्यूम कर लिया। तो दोस्तों अगर वेब पेज की मैं बात करता हूं तो हमने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML लैंग्वेज को डिस्कस किया, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज में कोड करके हमने दोस्तों जो भी चीज बनाई है, यानी जो फाइल बनाई हमने, उस पर्टिकुलर फाइल को बोला जाता है दोस्तों वेब पेज, क्योंकि जो कोडिंग हमने की है वो वेब कंटेंट को दिखाने के लिए, यानी इंटरनेट पे कुछ चीज दिखाने के लिए ही हम कोड करते हैं। तो जब एक सिंगल फाइल बन जाती है तो उसको वेब पेजेस बोला जाता है दोस्तों, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस हो जाता है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। और अगर बात करते हैं, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट को ओपन करने पर जब सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज होम पेज। तो उसको बोला जाता है होम पेज। तो दोस्तों होम पेज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेब पेज, यानी कि हमने मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर लिए, उन सबको ज्वाइन कर लिया तो वेबसाइट बन जाएगी, और अगर सिंगल की बात करते हैं तो वो वेब पेज ही रहेगा। तो अगर मैं आई होप आप समझ पा रहे हैं, तो ये वेबसाइट जो है वो कंसिस्ट होगी मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस। ये एड्रेस बार है, यहां पर हम एड्रेस लिखते हैं www, हमने पढ़ा अभी, इसको जो बाद वाली है दोस्तों इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो HTTP होता है वो यहां पर लगा होता है HTTP, और आजकल तो एक और भी आता है दोस्तों HTTP के साथ में एक S एक्स्ट्रा लगने लग गया, मैं इसको यहां लिख देता हूं HTTPS, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S फॉर द सिक्योर, S का मतलब होता है सिक्योर। दोस्तों ये भी पूछा गया है कि जो S होता है उसका मतलब क्या होता है HTTP, पहले HTTP आता था अब S आने लगे, यानी कि सिक्योर, और ज्यादा उसको सिक्योर कर दिया गया है। आप कोई भी वेबसाइट को चलाइए उससे पहले आपको HTTPS ही दिखेगा, उसके बाद में उसका जो एड्रेस है वो दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों हम वेब पेज को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो वेब पेज क्या हो सकता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज हो सकता है, या हम बोल सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम डिजाइन करते हैं इन HTML, और इसका काम क्या होता है, टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल, यानी कि इसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को दिखाना होता है, मे बी टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, या सम अदर काइंड ऑफ डेटा की फॉर्म में हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सो वेब पेज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कर सकते हैं एक इलेक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। क्यों दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ इसे डिस्प्ले यानी कि हमारी जो स्क्रीन है उस पर ही देख सकते हैं। अगर हमें इस कुछ जो कंटेंट है उसको चाहिए तो हमें प्रिंटर के थ्रू प्रिंट लेना पड़ता है, तब हमारे पास हम उसको टच कर सकते हैं, यानी कि
उससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है, यानी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। डिजाइन यूजिंग HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि वेब पेज जो है हम लोग डिजाइन करते हैं किसमें, HTML में। इसके अलावा भी आती है दोस्तों, हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में टाइप ऑफ डेटा क्या हो सकता है? तो दोस्तों जो डेटा ये डिस्प्ले करेगा वो डेटा हमने पढ़ा टेक्सुअल फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, या किसी तरह की ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है। सो इट कैन डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिकल फॉर्म। तो दोस्तों ये जो डेटा है जो अलग अलग टाइप के डेटा को डिस्प्ले करने के काम में आता है, या हम बोल सकते हैं कि डिस्प्ले कर सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका काम सिर्फ डिस्प्ले करने का है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज डाउनलोड भी करते हैं, तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो डाउनलोडेबल भी होता है, मीन्स उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो द डेटा प्रेजेंट ऑन वेब पेज इज डाउनलोडेबल इन एनी ऑफ द फॉर्म। एनी ऑफ द फॉर्म का मतलब दोस्तों ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से लिख देता हूं, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, यानी कि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है। तो दोस्तों ये है वेब पेज। अभी हमने पढ़ा कि जब हम वेब पेज को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास वेबसाइट बन जाती है। पर दोस्तों जो वेब पेज है, हम थोड़ा सा और डिटेल में उसको पढ़ते हैं कि जो टाइप्स ऑफ वेब पेजेस है वो कितने हो सकते हैं। सो अगर टाइप्स ऑफ वेब पेज की बात की जाए तो वो दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। तो फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो दोस्तों फर्स्ट है स्टैटिक वेब पेज, और सेकंड की बात करें तो डायनेमिक वेब पेज। तो दोस्तों हमने दो टाइप पढ़े, फर्स्ट इज स्टैटिक वेब पेज एंड सेकंड इज डायनेमिक वेब पेज। तो दोस्तों मैं पहले आपको स्टैटिक और डायनेमिक का मीनिंग बता दूं। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रही हो, व्हिच इज, अब इस केस में यहां पे मूव तो कर नहीं सकती, चेंज हो सकती है, सो व्हिच इज नॉट चेंज, और इसे कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। और डायनेमिक का मतलब भी दोस्तों चेंज होता है, सो व्हिच कैन बी चेंज। तो दोस्तों अब यहां पे हम लोग वेब पेज को रिलेट करते हैं वेबसाइट से। अब वेबसाइट से कैसे रिलेट कर पाएंगे हम उसे, सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैटिक वेब पेज। तो दोस्तों आप एग्जांपल लीजिए कि आपने किसी स्कूल की वेबसाइट बनाई, उस स्कूल की वेबसाइट में आपको, या हम लोग बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की आपने वेबसाइट बना दी, कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई आपने उसकी वेबसाइट बना दी। अब कोई मशीन जब बनी है तो उसके मशीन के पार्ट्स तो चेंज नहीं होंगे, तो अगर आपने उस पेज पे उस मशीन के पार्ट्स के बारे में डिटेल दी है कि इसमें ये पार्ट्स होते हैं, ये इसकी फंक्शनिंग होती है, क्योंकि हमें पता वो चेंज नहीं हो रही है, तो उस तरह के पेज को बोला जाता है दोस्तों स्टैटिक वेब पेज। और अगर बात की जाए दोस्तों जिसमें इंफॉर्मेशन
जितनी बार आप वेबसाइट को ओपन करते हो वो उतनी बार चेंज हो रही है, तो दैट पेज इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। तो आई होप आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं डिटेल में स्टैटिक और डायनेमिक पेज के बारे में। आई होप दोस्तों आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ वेब पेज, दैट इज स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज, तो दोस्तों हमने स्टैटिक वेब पेज में पढ़ा कि जिस भी तरह का डेटा हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती, या मैं बोलूं कि आप एक वेबसाइट को जितनी बार विजिट कर लीजिए उसका डेटा अगर सेम रह रहा है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं हो रहा, सो दैट पेज इज कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। अ वेब पेज यूज्ड टू डिस्प्ले, a web page used to display same kind of data or information show करता है, चाहे हम कितनी भी बार उस पेज को विजिट कर ले। whenever Whenever a user visits, तो इसके अंदर चेंज नहीं होता। इस तरह के पेज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज, कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। तो इस तरह के जो पेज होता है उसको स्टैटिक वेब पेज की कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं। और इसकी एक्सटेंशन की अगर बात करें दोस्तों, तो हमने HTML की दो एक्सटेंशन पढ़ी थी, HTM और HTML। सो डॉट HTM और डॉट HTML। तो HTML में जो भी फाइल बनती है वो स्टैटिक पेज ही बनता है दोस्तों। अगर हम लोग इसे HTML से कंपेयर करें, तो अगर हमें डायनेमिक पेज बनाना है तो हम दूसरी तरह की जो लैंग्वेजेस है उसको यूज करते हैं। सो अब मूव करते हैं डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज। क्योंकि दोस्तों डायनेमिक का मीनिंग हमने पढ़ा, मींस जो चेंज हो सकता है, या इसको बोल सकते हैं हम कोई भी इंटरैक्टिव वेब पेज क्या होता है, डायनेमिक वेब पेज होता है। क्योंकि उसके अंदर बार बार जितनी बार हम विजिट करते हैं हर बार हमें कुछ कंटेंट जो होता है वो चेंज होके ही मिलता है। सो एन इंटरैक्टिव वेब पेज इज called dynamic web page। किसी भी interactive web page को dynamic web page बोलते हैं, क्योंकि जितनी बार हम visit करते हैं उतनी बार information change हो जाती है। and और इसके अंदर हम लोग use करते हैं दोस्तों एक scriptive language को, जो scriptive language होती है, scripting language होती है, वो display करती है changing content को। so In this scripting language is used for changing content, used for changing content। तो चेंजिंग कंटेंट के लिए हम लोग स्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं। ऑन वेब,
और दोस्तों इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया अलग अलग स्क्रिप्टिव लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो भी अलग होगी। सो एक्सटेंशन लिख लेते हैं इसमें एक्सटेंशन। तो आपने पीएचपी का नाम सुना होगा दोस्तों, आजकल जो वेबसाइट जितनी बन रही है वो पीएचपी में ऑलमोस्ट बन रही है। सो पीएचपी ये एक्सटेंशन ही है दोस्तों, डॉट पीएचपी, डॉट एएसपी, डॉट एएसपी और डॉट जेएसपी। ये एक्सटेंशन है दोस्तों और डायनेमिक वेब पेजेस। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव करते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। तो चलिए दोस्तों हमने अभी तक दो टाइप के वेब पेजेस के बारे में पढ़ा, फर्स्ट इज स्टैटिक पेज एंड सेकेंड इज डायनेमिक वेब पेज। अब दोस्तों डायनेमिक वेब पेज है उसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो दो टाइप के स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, फर्स्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो हमें पता है क्लाइंट और द यूजर दोनों एक ही चीज होती है, चाहे हम क्लाइंट बोल दें चाहे यूजर बोल दें, या अपने हम बात करते हैं अपने एंड पे। जब किसी भी तरह की, क्योंकि वेब पेज है उसमें चेंजेस तो होंगे, अगर किसी वेब पेज में यूजर एंड की वजह से या यूजर एंड पे कुछ चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप कोई वेबसाइट के ऊपर कोई बटन बना हुआ है, आपने उस पर क्लिक किया तो कुछ चेंज हो गया उसमें, तो उस चेंज होने को बोलते हैं, क्योंकि आपने क्लिक किया, यूजर ने उस पर क्लिक किया। ऐसे ही चाहे आप माउस क्लिक कीजिए या आप कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस कीजिए, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है वेब पेज में तो दैट वेब पेज इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वेब पेज, क्योंकि ये क्या है डायनेमिक है, एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक वेब पेज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, सेकेंड होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो अब दोस्तों क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट साइड पे क्लाइंट के एंड पे चेंजेस हुआ, लेकिन अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर के एंड पे जब कुछ चेंज होता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं क्लाइंट साइड को, देन लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को। सो if the content on the web page change by the client or user, by pressing the key from keyboard or clicking by mouse. So that type of scripting is called client side scripting. तो इसकी कुछ एक्सटेंशंस होती है दोस्तों, जैसे जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। चलिए इसी से लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट।
अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकंड पर, दैट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हमने पढ़ा दोस्तों कि जब सर्वर एंड पर कुछ चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो दोस्तों उस पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ सर्वर एंड पर ही होता है। या आप लोग वेबसाइट को सर्व करते हैं, जब आप यूज करते हैं तब कई वेबसाइट डेट एंड टाइम शो करती है हमें, तो वो सारी चीजें दोस्तों सर्वर एंड पर ही चेंज होती है, उस पर यूजर एंड पे कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जो वेब पेजेस होंगे उनको बोला जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सो If the content on the web page change by server end, सर्वर एंड, दैट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग इज नोन एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इसको बोला जाता है दोस्तों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब इसमें हमने पढ़ा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगी वो कौन कौन सी आ सकती है, कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग की को ये करता है, इनेबल करता है या उसके साथ साथ काम करता है। तो एग्जांपल आ जाएगा ASP हमने पढ़ा था दोस्तों, JSP, PHP, PHP, ये सारे सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं, आर सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। देन अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वेबसाइट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव कर लेते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों जब हमने पढ़ा कि हमने वेब पेज बनाया, सबसे पहले हमने यूज किया HTML लैंग्वेज को फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। फिर हमने पढ़ा वेब पेज दो टाइप के थे, डायनेमिक और स्टेटिक, डिपेंड करता है हमें कौन सा यूज करना है। तो दोस्तों अब हमने मल्टीपल वेब पेजेस को अगर कंबाइंड कर लिया हो तो उसको बोला जाता है दोस्तों वेबसाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेबसाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों रिलेटेड वेब पेजेस जो रिलेटेड वेब पेज होते हैं फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन, इज termed as website। तो दोस्तों रिलेटेड वेब पेज का मतलब, जैसे हमने बात किया था कि मल्टीपल पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप लोग मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उनमें जाके उनका अलग अलग कोर्स करिकुलम होता है, उसके बाद लिस्ट ऑफ टीचर्स होती है, लेक्चरर्स होती है, उसके बाद क्या क्या
जो कोर्स है उसमें पर्टिकुलर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं, कहाँ फीस है, कहाँ कितनी चीजें हमें उनमें मिलती है। तो दोस्तों एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत उसमें एक पेज में तो सब कुछ नहीं आ सकता, तो उसके लिए दोस्तों मल्टीपल वेब पेजेस डिजाइन किए जाते हैं। तो इसलिए यही कहा गया कि रिलेटेड वेब पेज फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन। डोमेन दोस्तों जब मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग बताया था और जब हमने बात किया था सेवन लेयर सिस्टम की, ओएसआई मॉडल को डिस्कस किया था, टीसीपी आईपी को डिस्कस किया था, तब हमने डोमेन नेम के बारे में भी डिस्कस किया था। उसको फिर से हम डिस्कस कर ले कि डोमेन नेम किसी आईपी के बजाय, क्योंकि आईपी हर चीज का याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डोमेन नेम ले लेते हैं। तो दोस्तों सिंगल डोमेन पर जितने भी रिलेटेड वेब पेज होंगे ऑल आर कंबाइंडली नोन एज वेबसाइट, तो उसको हम कंबाइंडली वेबसाइट बोल देते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक सिंगल वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं। सो अ वेबसाइट हैव मल्टीपल वेब पेजेस, तो जो वेबसाइट है उस पर दोस्तों मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं। अब अगर एग्जांपल की बात कर ले हम लोग, तो जैसे मान लीजिए बैंकिंग की बात करें तो IBPS, तो इसको हम लिख सकते हैं www.ibps.com। तो दोस्तों इस डोमेन के अंदर जितने वेब पेजेस होंगे वो कंप्लीटली क्या होगा, एक वेबसाइट होगा। ठीक है, एग्जांपल आप ले लेते हैं एक और का, www.ssc.com स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं hssc.com दैट इज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन .com। इस तरह से दोस्तों एक सिंगल डोमेन के अंडर जितने वेब पेजेस होते हैं वो सारे कंबाइंड होकर एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों वेबसाइट आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव करते हैं वेब ब्राउजर पर। चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं वेब ब्राउजर पर। तो दोस्तों वेब ब्राउजर के बारे में आपने सुना ही होगा, हम लोग मल्टीपल वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं फॉर द इंटरनेट, या अगर मैं आपको सीधा बताना चाहूं तो जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो डायरेक्ट हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो दोस्तों उसे बोला जाता है वेब ब्राउजर। तो सिंपल पहले तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई, वेब ब्राउजर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर सर्फिंग इंटरनेट, यानी इंटरनेट को सर्फ करने के लिए हमें जिस भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है वेब ब्राउजर। अब दोस्तों इसका यूज क्या होता है, या हम बोलते हैं कि इसका काम क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि हमें एक इंटरनेट को यूज करने के लिए स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया HTML लैंग्वेज के बारे में कि जिस लैंग्वेज के अंदर हम कोड करके वेब पेज डिजाइन करते हैं। अब दोस्तों जो वेब पेज डिजाइन होता है, क्योंकि वो भी कोडिंग लैंग्वेज में ही डिजाइन होता है, तो दोस्तों उसको हमारी फॉर्म में यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है वेब ब्राउजर। यानी कि जो वेब ब्राउजर होता है वो उस कोडिंग लैंग्वेज को समझ के उसे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह से वेब ब्राउजर एक कन्वर्टर का काम भी करता है। तो और अगर मैं बात करूं सर्वर और क्लाइंट एंड पे, तो वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ क्लाइंट, यानी कि वेब ब्राउजर एक क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से फॉर द इंफॉर्मेशन, और सर्वर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है दोस्तों वेब ब्राउजर का। चलिए इसे थोड़ा थोड़ा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सो इट इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर
सर्विंग इंटरनेट, यानी इंटरनेट को सर्व करने के लिए यूज करते हैं हम लोग हमारा वेब ब्राउजर। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, सेकंड हमने पढ़ा, ये इंटरप्रेट करता है कोडिंग लैंग्वेज को इनटू वेब पेज। इट चेंज द कोडिंग लैंग्वेज लैंग्वेज वेब पेज इनटू ग्राफिक फॉर्म। तो दोस्तों जो वेब पेज की कोडिंग लैंग्वेज है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तब जाके हम लोग, या हम बोलते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि हम उस वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है उसे समझ पाए। तो आई होप दोस्तों ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि दोस्तों एक चीज और भी है कि इसमें हमें किसी तरह की कोडिंग या कमांड की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको आप ये भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, इट डिस्प्ले कंटेंट ऑफ वेब पेज विदाउट द कमांड, यानी कि किसी भी तरह की कमांड को यूज किए बगैर ये डिस्प्ले करता है कंटेंट वेब पेज का हमारे मॉनिटर पर। अब एक पॉइंट और हमने पढ़ा कि दोस्तों क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे बात करें तो एक्चुअल में ये बिहेव करता है एक क्लाइंट की तरह, जो रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड, और सर्वर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द क्लाइंट एंड। तो इसको लिख सकते हैं हम, अ वेब ब्राउजर behave as a client and request for the information to the server and the server provide the information and it display on web browser। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन सर्वर प्रोवाइड करता है वो वेब ब्राउजर पर ही जाके डिस्प्ले होती है। अब हमने बात की कि जो ये क्लाइंट की तरह बिहेव करता है और रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए, तो दोस्तों ये किस तरह रिक्वेस्ट करता है, हमने डोमेन नेम पढ़ा दोस्तों। तो जो अगर हम बात करें, जो वेब ब्राउजर है वो यूज करता है URL या डोमेन नेम फॉर द इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी ईमेल को यूज करना है, तो अगर मान लीजिए मेरी ईमेल अकाउंट जीमेल पर है, गूगल के अकाउंट पर है, तो मुझे सबसे पहले जीमेल पर जाना पड़ेगा, तो वेब ब्राउजर में मुझे जीमेल लिखना पड़ेगा। तो जीमेल जो होगा दोस्तों, मेरा डोमेन नेम, तो ये डोमेन नेम है, मैं वेब, जो मेरा एड्रेस बार होती है, अभी हमने बात की थी जब हमने पीसी बनाया था तो मैंने आपको बताया था वेब ब्राउजर के अंदर एक एड्रेस बार बनी होती है यहां पर HTTPS, उसके बाद में ऐसे
स्लैश स्लैश, उसके बाद लिखा होता है दोस्तों www.google.com। तो दोस्तों ये एड्रेस बार है। तो दोस्तों यही यहां इस एड्रेस इस ब्राउजर के अंदर हम लोग एड्रेस लिखते हैं, तो ये जो एड्रेस होता है ये सर्च किया जाता है हमारे वेब ब्राउजर से, यानी कि यही रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर एंड पर, और ये सर्वर गूगल एंड पर भेजी, क्योंकि मैं गूगल ओपन कर रहा हूं तो गूगल सर्वर पर ये जाएगी, देन गूगल सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा और फिर गूगल पेज हमारे यहां पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा वेब ब्राउजर है वो काम करता है फॉर द एक्सेस ऑफ डेटा। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा।